दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग की। लोगों का कहना यह है कि आइटम तो मैं बना लिया, प्रोडक्ट तो बना लिया हमने, बैंड बना लिया, जंक्शन बना लिया, डिजंक्शन बना लिया, जो भी बना लिया, उसको अब बेचें कैसे। ठीक, उनके साथ ये दिक्कत आ रही है। तो मैं आज ये बताना चाह रहा हूँ कि आज मार्केटिंग कैसे करना है, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा, बहुत दिन हो गए, तकरीबन मुझे लग रहा 20-25 दिन हो गए, मंथ हो गए, तकरीबन एक मंथ हो गया मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। उसका रीज़न ये है कि अभी गर्मी है, गर्मी में हम लोगों का सीजन रहता है, ये हमेशा चलने वाला काम है। प्लास्टिक जो इलेक्ट्रिक ये जो बनाते हैं हम, बैंड जंक्शन बनाते हैं, ये हमेशा चलने वाला आइटम होता है, लेकिन तो गर्मी में थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा ज़्यादा सेल इसके होते हैं, क्योंकि गर्मियों में देखिए घर वगैरह ज़्यादा बनते हैं मेरे हिसाब से क्या बनते ज़्यादा हैं। ठीक, तो गर्मी में ज़्यादा ये सेल होता है, तो इसलिए मैं टाइम नहीं पा रहा था। आज मैंने टाइम निकाल के आप लोगों को मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले ये कहूंगा, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं XYZ, कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं, तो उसको बेचने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है, आप दिन में 10 से 12 घंटा आप शॉप टू शॉप जाएं और उस आइटम को शॉप को दिखाएं, शॉपकीपर को दिखाएं, और तकरीबन डेली ये 3 महीने तक कंटिन्यू आपको करना है, 3 महीने तक कंटिन्यू वीकली एक रूट पे जाना है। एक रूट पे कम से कम 50 किलोमीटर बाइक चलानी है आपको। 50 किलोमीटर बाइक चला के आपको रास्ते में जितने भी शॉप मिलेंगी, उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं उससे रिलेटेड जितनी भी शॉप मिलेंगी, आप उनको विजिट करना, अपना प्रोडक्ट उनको दिखाना, देखें कैसे नहीं बिकेगा, कोई भी आइटम रहेगा बिकेगा। आप तकरीबन 3 महीने का टारगेट बना लें कि 3 महीने में आपको 200-300 दुकान के पास जाना है, ठीक है ना, मतलब कंटिन्यू बार बार हफ्ते में हर वीकली उस दुकान पे जाना है, ठीक है। तो आप ये काम 3 महीने कंटिन्यू करें, देखिए कोई भी आइटम रहेगा आपका बिकेगा। अगर आप 200-300 शॉप पे जाते हैं 3 महीने में, तो उसमें आपको कम से कम कुछ नहीं तो 100 शॉपकीपर आपको आपका आइटम ले लेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है, आप अगर कोई आइटम आप बनाते हैं तो शॉपकीपर के पास अगर आप जाते हैं, तो ये नहीं कि उसका आइटम पहले से ख़त्म हुआ है ना, वो तो पहले से रखा होगा स्टॉक में, तो आप गए इसके ये मतलब नहीं हो आपका चेहरा या आपका फेस देख के वो ले लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उसके शॉप पे जाते रहेंगे, धीरे धीरे उसका व्यवहार बढ़ता रहेगा, वो आपसे लेगा, एक बार में नहीं, दूसरी बार में नहीं तीसरी बार जाएंगे लेगा ज़रूर, ठीक है ना। जब उसका आइटम ख़त्म होगा, आप उस टाइम पर पहुँचे रहेंगे तो ज़रूर लेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में ये होता है, आप किसी शॉप पर जाते हैं तो उसका दिमाग उतर जाता है ना, दिमाग उतर जाता है, जैसे आप गए किसी शॉपकीपर के पास, उसके पास वो माल है, आपने नंबर दे आया, लेकिन ठीक है और किसी से वो पहले से परचेज कर रहा, तो उसका व्यवहार उससे बना हुआ है, ठीक, तो वो बंदा उसी को कॉल करेगा ना, आपको कहाँ नया नंबर ढूंढेगा। तो इससे लिए बार बार आपको शॉप पे जाना होता है, मतलब हफ्ते में एक बार जाना होता है, डेली नहीं जाना होता। जिस भी रूट पे आप एक रूट बना, मतलब मैप बना लें, और 7 के 6 दिन आप काम करें, मतलब जिस रूट पे मंडे को गए हैं, फिर अगले मंडे को फिर उसी रूट पे जाएं और उसी शॉपकीपर से मिलें, और ये करें, कोशिश करें जैसे आप 20 से मिले थे, इस बार जाके 10 से और ज़्यादा बन लें, 30 से मिले, 30 शॉपकीपर से मिले, ऐसे धीरे धीरे आप 3 महीने आपको मेहनत करनी है भाई। कोई भी आइटम बनाएंगे बिकेगा, 100% बिकेगा, बस आपको बेचना है, आपको शॉपकीपर के पास सैंपल आपको दिखाना। देखिए बहुत ज़्यादा शॉपकीपर क्या करेगा, मान ले आपका नहीं लेगा ना, आपको भगा देगा ना, इतना होगा बस, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो आप 300-400 शॉपकीपर के पास जा रहे हैं, 200 शॉपकीपर के पास जा रहे हैं 3 महीने के अंदर, तो हर कोई थोड़ी बदतमीज होता है यार, ठीक है, कोई नहीं भगाता होगा, तब मैं सिर्फ ऐसे ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप धीरे धीरे जाते रहेंगे तो आपका माल 100% श्योर रहेगा वो, ठीक। कोई भी आइटम, लोग मिट्टी बेच रहे हैं यार, आप तो खैर प्लास्टिक के आइटम बना रहे हो, कोई भी आइटम बना रहे हो, जो भी आइटम आप बना रहे हो, बिकेगा, ज़रूर बिकेगा, बस आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में रहने की भाई, 10-10 घंटा 12-12 घंटा मार्केट में आप रहिए। और मार्केट में रहने का मतलब सिर्फ ये है, मार्केट में रहिए, जितने भी उससे रिलेटेड जितने भी शॉपकीपर शॉप मिल रही है आपको, उन शॉपकीपर को आपको अपना प्रोडक्ट दिखाना है, उसकी क्वालिटी बतानी है आपको, और रेट बताना है, रेट में सबसे मिनिमम रेट आपको बताना है, जितना भी आप सर्वाइव कर पाएँ, जितने कम से कम रेट में आप सर्वाइव कर पाएँ वही रेट आपको बताना है। इसलिए रेट कम बताना क्योंकि शॉपकीपर तो पहले से, मैं हर बार ये बता रहा हूँ, किसी से जुड़ा है, जैसे कोई शॉपकीपर है मेरे से जुड़ा है, ठीक, तो मेरा व्यवहार उसके साथ अच्छा है, संबंध अच्छा है, तो आपसे वो भी माल लेगा, माल आपसे तब लेगा जब आपकी क्वालिटी कुछ बेहतर होगी और आपका रेट कुछ अलग होगा, उससे कम, मेरे से कम होगा, ठीक।
और आप उसको सर्विस दे पाए बढ़िया, मतलब जब उसको माल की जरूरत रहे तो आप पहुंचा दें, तो आपका माल लेगा 100%, क्योंकि मैंने भी बेचा इसी तरह ही मैंने बेचा माल अपना। ठीक, तो आप भी कोशिश करें आपका माल बिकेगा। आप पहले ना सोचें कि माल कहाँ बेचना है। ठीक, आप मार्केट में रहेंगे तो बिकेगा, घर में सपना देखेंगे कि माल बना लिया बिकेगा कैसे, तो नहीं बिकेगा। उसके लिए बेचने के लिए आपको मार्केट में जाना पड़ेगा। ठीक, तो ये मार्केट का सिर्फ यही एक फंडा भाई, आप जितना टाइम मार्केट में देंगे उतना माल सेल करें, और आपका माल सेल होगा जितने दूर तक आप जाएंगे। आप एक टारगेट बना लें कि 50 किलोमीटर, जब तक आप 30 से 35 शॉप ना विजिट कर लें जिस रूट पे, चाहे आपको 50 किलोमीटर बाइक चलानी पड़ी, आप चलाते जाइए, देखिए आप कोई भी आइटम बनाए वो बिकेगा, 100% श्योर बिकेगा। बस बाकी मार्केटिंग पे और तो कुछ बन नहीं सकता भाई इससे ज़्यादा, तो बस यहीं तक, देखते हैं अगली वीडियो में कहाँ मिलते हैं। अभी तो सीजन चल रहा है, अभी वीडियो लाना थोड़ा टफ है। ठीक है, ठीक है, ओके।